अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुफिन रफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन और VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। जैसे आपने मुझे VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया और मैं आज इस मकाम पे हूँ, तो आप लोग मुझे उसमें भी प्रमोट करें, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, वो चैनल मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका प्रोग्रामिंग है, जैसे आपका अकाउंटिंग है, जैसे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे आपका कंप्यूटिंग है, जैसे आपका वेब डेवलपमेंट है और बहुत सारे जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं, वो आप लोगों को सिखा सकूं। तो दोस्तों, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर जो है मेरे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, जो मैंने अभी आप लोगों को नाम बताए, उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने लेक्चर्स देखिए और उनसे सीखिए। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो CS601 डेटा कम्युनिकेशन की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मेरी जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं, जो उनका सलूशन होता है, या अगर किसी कोई GDB का सलूशन है या कोई क्विज का सलूशन है, तो वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होता है कि आपने अपनी असाइनमेंट या आपने अपना GDB या आपने कोई और क्विज जो है वो कैसे सॉल्व करा। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये रहे हैं कि सर, हमारे क्विज फेम नहीं आते। क्विज तो वैसे ही फेम नहीं आते, लेकिन जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, उसको शेयर करने का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट आप उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को देख लें जिससे वो क्विज ड्रा किया गया। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ, डेटा कम्युनिकेशन की, और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दोस्तों, हमें एक 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इस असाइनमेंट के लिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें केस दिया गया है, सपोज अ यूनिवर्सिटी हैव 2 कंप्यूटर नेटवर्क सेक्शन नेम एज एडमिन सेक्शन एंड फैकल्टी सेक्शन। आपके पास 2 नेटवर्क सेक्शन है, एक एडमिन का है, एक फैकल्टी का। एडमिन सेक्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ 13 कंप्यूटर विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। एडमिन सेक्शन जो है उसके अंदर 13 कंप्यूटर हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, टू प्रोवाइड एफिशिएंट कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर, और एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क एक चल रहा है। वेयर द फैकल्टी सेक्शन कंटेन 20 कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड थ्रू एन इंटेलिजेंट डिवाइस। अब जो हमारा फैकल्टी सेक्शन है, उसमें 20 कंप्यूटर हैं। देखें, एडमिन सेक्शन में 13 हैं और हमारा जो फैकल्टी सेक्शन है उसमें 20 कंप्यूटर हैं और वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड हैं। टू अटेंड एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्डेड इन एन अदर कंट्री, द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैव एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन वीडियो लिंक इन द फैकल्टी सेक्शन। अब एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, वेब कॉन्फ्रेंस है। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है नेटवर्क का, उसने एक जो है ऑनलाइन वीडियो लिंक दिया है फैकल्टी सेक्शन को टू ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस। द कॉन्फ्रेंस चेयर हैव सेंट एन इमेज ऑफ कॉन्फ्रेंस एजेंडा टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और वहाँ से जो है कॉन्फ्रेंस में एक इमेज शेयर हुआ है उस मीटिंग के एजेंडा के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को, फॉर शेयरिंग विद ऑल फैकल्टी मेम्बर। जो एडमिनिस्ट्रेटर ने सारे फैकल्टी मेम्बर्स को शेयर करना। अब हमने करना क्या है, कंसिडरिंग द अबव मेंशन सिनेरियो, इस सिनेरियो को हमने मतलब अपने माइंड में रखना है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू, हमने जो है इन आई थिंक ये 3, 6, 7 क्वेश्चन हैं, हमने इन 7 सवालों के जवाब देने हैं। अब इसमें फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क टाइप टोपोलॉजी यूज इन एडमिन सेक्शन। हमने ये बताना है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी यूज हो रही है एडमिन सेक्शन के अंदर। फिर हमने ये बताना है, राइट द नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी फॉर एडमिन सेक्शन। और फिर हमने ये बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड हैं एडमिन सेक्शन के लिए, और राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई टोपोलॉजी फॉर एडमिन सेक्शन। और फिर हमने ये भी बताना है कि हमें कितने जो है पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं एडमिन सेक्शन के लिए। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क लिंकिंग कंप्यूटर फैकल्टी सेक्शन विद द कंप्यूटर टू कॉन्फ्रेंस चेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और फिर हमने ये बताना है कि हमें कितने लिंक रिक्वायर्ड हैं
फैकल्टी सेक्शन के लिए टू ज्वाइन दी कॉन्फ्रेंस. उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ फैकल्टी सेक्शन. जैसे हमने एडमिन सेक्शन की बताई है टोपोलॉजी, तो हमने इसी तरह फैकल्टी सेक्शन की भी बतानी है. नेक्स्ट है जी, मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर ऑफ फैकल्टी सेक्शन. और फिर हमने उस डिवाइस का नाम भी बताना है जिससे फैकल्टी सेक्शन के 20 कंप्यूटर जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है. आगे हमने कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इफ द इमेज सेंट बाय द कॉन्फ्रेंस चेयर इज कलर्ड इमेज यूजिंग 24 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंगल पिक्सल. अब हमने वो जो इमेज सेंड हुआ है एजेंडे वाला चेयरपर्सन की तरफ से कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटर को, जो सारे फैकल्टी मेंबर्स को शेयर किया जाना है, उसका जो है हमने बताना है वो 24 बिट्स का एक इमेज है. हमने ये बताना है कि उसके अंदर कितने डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन यूज हो सकता है. तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉलोइंग टेबल कंटेन द सेम लेयर ऑफ OFI मॉडल अलोंग विद द सम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच layer. However, the information given in B is not matched with column A. You are required to carefully analyze in column and write the correct information associated with each layer in column C. अब देखिए हमें दो कॉलम दिया गया, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी. हमने क्या करना है, हमने कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी के साथ, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं वो ए के साथ मैच नहीं है, और वो मैच करके हमने कॉलम सी के अंदर दिखानी है. अब देखें, ए के अंदर नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर है. उसके बाद हमारे पास डेटा फ्रेगमेंट है, इंक्रिप्शन है, इंटरनेट ब्राउजर है, राउटर है, फिजिकल एड्रेसिंग है और नेटवर्क मीडिया है, और इसको हमने मैच करके कॉलम सी के अंदर रिप्रेजेंट करना है. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो दोस्तों ये है हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट. तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है. इसमें देखें, हम पहले जो है क्वेश्चन एक, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें जो सेक्शन ए है उसको, इसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजी बतानी है एडमिन सेक्शन की. तो दोस्तों इसमें जो नेटवर्क टोपोलॉजी यूज की गई है वो मैश टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मैश टोपोलॉजी. अब मैश टोपोलॉजी होती क्या, अब मैश टोपोलॉजी के नीचे मैंने डेफिनेशन भी दे दी है. मैश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग वेयर ऑल नोड्स कोऑपरेट टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा अमंग ईच अदर, कि हर जो नोड है वो जो है आपस के अंदर कनेक्टेड है, ईच अदर का वर्ड आ गया. इसी तरह अगर हम अपने केस के अंदर देखें तो यहाँ पे देखें, एडमिन सेक्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ 13 कंप्यूटर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर. अब यहाँ पे देखें, मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर भी ईच अदर आ गया, और जो हमारा केस है वहाँ पे भी ईच अदर आ गया. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूजिंग द मैश टोपोलॉजी फॉर एडमिन सेक्शन. हम जो है मैश टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं एडमिन सेक्शन के लिए. तो इस तरीके से हमारा जो ए सेक्शन है वो सॉल्व हो जाता है. अब हम बात करते हैं अपने बी सेक्शन की, इन विच यू हैव टू रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दी, हमने नंबर ऑफ लिंक्स बताने हैं कि कितने. अब नंबर ऑफ लिंक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2. अब देखें, एन हमारे जो एडमिन सेक्शन है वहाँ पे जो कंप्यूटर हैं 13 है, यहाँ नीचे केस के अंदर भी मैंने आपको शो कर दिया, ये देखें 13 है. तो n जो है वो नॉट हो गई हमारी 13, और देखें n फिर 13 आ गया, माइनस 1 आ गया, और फिर डिवाइडेड बाय 2. जब हमने 13 में से एक को निकाला तो हमारे पास 12 बच गया डिवाइडेड बाय 2. तो 12 को डिवाइड किया 2 के साथ तो 6 आ गया, और 13 छिक 78 जो है, मतलब 78 हमें जो है लिंक्स रिक्वायर्ड हैं एडमिन सेक्शन के लिए. तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी सॉल्व हो जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की, इसके अंदर हमें कितनी पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं एडमिन सेक्शन के लिए. अब देखें, हमारे पास जो नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं फॉर इन एडमिन सेक्शन वो 13 है, ये हमने पहले भी बात की है. तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए उसका भी दोस्तों एक फॉर्मूला है, एन माइनस 1.
तो एन माइनस वन जब हमने किया तो नोड जो है हमारे पास 13 है माइनस वन, तो हमारे पास जो जवाब आया वो 12 है। इसका मतलब ये है कि एडमिन सेक्शन को 12 पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं टू कनेक्ट दी एडमिन सेक्शन टू दी वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। इस तरीके से हमारा ये सेक्शन सी भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। अब डी के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमारा जो फैकल्टी सेक्शन है उसकी कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन वो जो लिंक यूज़ हो रहा है, वो जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन मैंने लिख दिया है। ये वैन क्यों सिलेक्ट किया है, वैन इसलिए सिलेक्ट किया है कि अ वाइड एरिया नेटवर्क इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर देखें बड़े मतलब जो जियोग्राफिक जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारा जो गिवन केस है वहाँ पे हमें बताया गया है कि दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ हेल्डेड इन एन अदर कंट्री, वो किसी और कंट्री के अंदर जो है हेल्ड की जा रही है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वैन नेटवर्क। हम इसलिए वैन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की, क्योंकि वो एक कंट्री में है और दूसरी जो है वो कनेक्ट हो रही है दूसरी कंट्री के साथ, तो इसलिए हम लोग जो है वो वैन यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डी भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं ई की। ई के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो हमारा फैकल्टी सेक्शन है वो कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है। देखें जो हमारा एडमिन सेक्शन था वो मैश टोपोलॉजी यूज़ कर रहा था। अब जो हमारा फैकल्टी सेक्शन है वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर, अब स्टार टोपोलॉजी कैसे यूज़ कर रहा है, स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्टार टोपोलॉजी इफ टोपोलॉजी फॉर आ लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क है क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी सेक्शन इन दिस वी हैव 20 कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ इंटेलिजेंट डिवाइस ऑन द सेम लोकेशन, एक ही जगह के ऊपर आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्टार टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी इज कनेक्टेड द कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक हब एंड स्विच। और फिर स्टार टोपोलॉजी के अंदर ही ऐसी एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर हम जो है सारे नोड्स को हब और स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। और केस में भी देखें हमें फैकल्टी सेक्शन कंटेन 20 कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड थ्रू एन इंटेलिजेंट डिवाइस, और वही सारे जो है फिर एक इंटेलिजेंट डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव राइट द स्टार टोपोलॉजी हेयर, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी लिखा है। इस तरीके से हमारा ई भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एफ की। उसने ये पूछा है कि विच इंटेलिजेंट डिवाइस आर यूज्ड इन द फैकल्टी सेक्शन, हम कौन सी जो है फैकल्टी सेक्शन के अंदर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अब देखें स्टार टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे, स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है कि वी आर यूजिंग टू डिवाइस फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर दैट इज नोन एज हब एंड स्विच, हब यूज़ कर रहे हैं या स्विच यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो जवाब है वो स्विच लिखा है बिकॉज स्विच इज़ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन द हब। हब जो है वो सिर्फ लिमिटेड या तो 8 पोर्ट होती हैं उसके अंदर या 16 पोर्ट्स होती हैं, स्विच जो है वो इससे ज़्यादा फास्ट स्पीड देता है और उसकी पोर्ट्स भी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने स्विच लिखा है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन एफ भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद बात आ जाती है जी जी की, जिसके अंदर हमें एक इमेज सेंड किया गया जिसके 24 बिट्स हैं, तो हमने ये बताना है कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स कितने जनरेट हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लेते हैं 2 to the power 24, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 16 मिलियन बनते हैं डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन जो उस इमेज के अंदर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो जवाब आएगा वो ऑलमोस्ट ओवर द 16 मिलियन के 16 मिलियन से ज़्यादा कलर जो हैं वो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो जी सेक्शन है वो भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमने जो है यहाँ पे कॉलम सी को जो है वो राइट करके लिखना था, मतलब करेक्ट करके लिखना था। अब देखें जो हमारा है
कॉलम ए और कॉलम सी, हमने सिर्फ इसको देखना है क्योंकि नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है वो राउटर चलता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारी फिजिकल एड्रेसिंग हो रही होती है और फिजिकल लेयर के ऊपर हमारा नेटवर्क मीडिया चल रहा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारा डेटा सेगमेंट होता है और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इंटरनेट ब्राउजर होता है और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इंक्रिप्शन का काम कर रही होती है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्वेश्चन ए के अंदर फर्स्ट जो ए सेक्शन है उसका मैश टोपोलॉजी लिखा है, बी सेक्शन के लिए 78 आंसर निकाला है, सी सेक्शन के लिए 12 आंसर निकाला है, इसी तरह डी के लिए हमने वाइड एरिया नेटवर्क लिखा है, ई के लिए स्टार टोपोलॉजी लिखा है, इसी तरह एफ के लिए स्विच लिखा है और जी के लिए हमने 16 मिलियन से ज़्यादा जो है कलर कम्बिनेशन बनाए हैं मैक्सिमम, और उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ए में नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग है, फिजिकल लेयर के ऊपर नेटवर्क मीडिया है और फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डेटा फ्रेगमेंट है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इंटरनेट ब्राउजर है और प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हमारी इंक्रिप्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी असाइनमेंट CS601 डेटा कम्युनिकेशन की सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आखिर में फिर मेरी वही गुजारिश है कि ये जो मैंने एक नया चैनल टीचर ऑनलाइन 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं लेक्चर, उसमें आपका CS101 है, MGT101 है, CF201 है, MGT201 है, HTML के हैं, वेब डेवलपमेंट के हैं, ऑफिस 2019 के हैं, आप इसमें ज़रूर जाइए, आप उन लेक्चर से भी फ़ायदा उठाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे जैसे आपने VSSS में प्रमोट किया है वैसे प्रमोट कीजिए। चैनल का URL आपको नीचे नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, www.youtube.com/teachersonlineforyou। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।